मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा पार से होने वाले शराब सहित सभी प्रकार की तस्करी पर लगाम लगाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आज सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में डीएसपी विप्लव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि 20,000 लीटर शराब संग 71 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। यह आंकड़ा महज 3 महीने का है। आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद पड़ोसी देश नेपाल से बड़े पैमाने पर देशी और विदेशी शराब की तस्करी होने लगी है। पड़ोसी देश नेपाल से खुली सीमा का लाभ उठाकर तस्कर इस अवैध कारोबार में लगे रहे। सीमा पर तैनात एसएसबी और पुलिस की सख्ती के बावजूद अवैध शराब तस्करी का कारोबार चलता रहा। आज डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी की बीते 3 महीने में 20,000 लीटर शराब और 94 गाड़ी व 15 साइकिल के साथ 71 को गिरफ्तार किया गया है। आज पुलिस ने दुल्ली पट्टी कोवाड़ जाने वाली रास्ते में एक टेम्पो पर लदे 180 लीटर नेपाली शराब संग एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएसपी विप्लव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर कोवाड़ मध्य विद्यालय निकट एक टेम्पो पर लदे धंधेबाज पकड़ाई। थाना प्रभारी अनुपम कुमार, एएसआई संतोष कुमार, एएसआई मुकेश कुमार पैंथर, मोबाइल के रितेश कुमार, राहुल कुमार, अशोक कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राजनगर के पेपरौलिया गांव निवासी संतोष राम है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जयनगर से संटू नायक की रिपोर्ट। अभी लगातार जो है बॉर्डर के जो सीमावर्ती थाने हैं वहां पर उत्पाद कानून जो है बिहार सरकार में निषेध कानून है, उसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है शराब माफियाओं पर। और इस क्रम में जो है आसूचना संकलन करके हम लोग जो है लगातार कार्रवाई कर रहे हैं सभी थानों के अंतर्गत। इसी क्रम में जो है आज गुप्त सूचना मिलती है कि एक टेम्पो पे लदा हुआ शराब जो है लेकर एक कारोबारी जो है जा रहा है, और जिसमें व्यापक पैमाने पे शराब लाद कर जो है ले जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन के लिए पूर्णी सह थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम गठित की गई और गठित करके जो है इस पर अविलंब कार्रवाई की गई और इसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जो है इसमें जयनगर थाना में कांड 6524 दर्ज किया गया बिहार मद्य निषेध उत्पाद नीति के तहत। और उसके बाद जो है इसके दरमियान जो है इस कारोबारी संतोष राम को पकड़ के न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसमें जो है 180 लीटर देसी शराब और उसके बाद एक टेम्पो वाहन जो है जब्त किया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अपराधी के इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है और अन्य जिनकी संलिप्तता है उसके बारे में भी अभी अनुसंधान जारी है। ये लगातार अभियान चल रहा है और जैसा कि अभी चुनाव का भी ये है तो उस क्रम में भी बहुत ये इस पर जो है लगातार आसूचना संकलन करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ये लगातार जारी है। अभी गत 3 महीनों में हम लोगों ने जो है जयनगर मंडल के अंतर्गत जयनगर थाना के द्वारा 19,459 लीटर शराब बरामद किया गया, 94 वाहन जब्त किया गया, 15 साइकिल जब्त किया गया और कई कारोबारियों को जो है न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सर, ये व्यक्ति कहाँ पर पकड़ा गया था? ये जो है आपको कुवार के पास जो है मध्य विद्यालय के पास पकड़ा गया है, टेम्पो में लेके आ रहा है। धन्यवाद।